हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। और आज हम 9th of January की सभी इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमको हेल्प करेंगी। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम आप नोट्स प्रोवाइड करते हैं या नहीं, तो आई एम सॉरी टू से मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, पर मैं 1-to-1 अगर आप मुझसे इकोनॉमिक्स की या फिर करंट अफेयर्स की डिस्कशन करना चाहते हैं, इंडिविजुअल क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। आई वुड वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन। ये चैनल एक प्रयास है आप सभी को करंट अफेयर्स से अवेयर कराने का और साथ ही साथ आपको मेथड्स बताने का जो आपको आपकी तैयारी में हेल्प कर सकता है। और अगर उसमें से एक बच्चे की भी हेल्प हो रही है इस वीडियो को देखने के बाद या इस चैनल पर आने के बाद, तो मेरा प्रयास सक्सेसफुल है, ऐसा मेरा मानना है। तो शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। आज का आर्टिकल नहीं है, एड है ये। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक एड है जो टाइम्स ऑफ इंडिया पे छपा हुआ है। और अब आप बोलेंगे मैम एड्स पढ़ना पड़ता है। एड्स को पढ़ना नहीं होता है, एड्स को सिर्फ एक ओवरलुक देना होता है। अगर आप ओवरलुक देंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और आपके ये एक तैयारी भी, एक प्रिपरेशन का पार्ट भी बन सकता है। ध्यान दीजिए कि आप जब भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी बड़े पोजिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी एक एज लिमिट होती है, याद रखिएगा। एक एज लिमिट जिस तरह की से होती है ना, कि सपोज करिए आपकी एज लिमिट फॉर एग्जांपल 32 इयर्स है मैक्सिमम आईएएस देने की, 6 अटेम्प्ट्स और जिसके जितने भी अटेम्प्ट्स होते हैं, और मैक्स टू मैक्स 35 इयर्स है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपकी जो एज लिमिट ली गई है वो 18 से 35 की ली गई है किसी भी एग्जाम को देने के लिए। तो जो आपका इंसाइट होना चाहिए, जो आपका सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, वो इस एज ग्रुप के बीच में ही होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है, राइट। 18 से कम होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका एक रीज़न होता है, एक साइंटिफिक रीज़न है इस एज लिमिट को लेने का। उसी तरीके से जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके एक सिलेबस है, और उस सिलेबस को कितना समझ पाए हैं हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, उसकी भी समझदारी इस तैयारी से निकल करके आती है। तो आपने इस आर्टिकल को देखा तो आपको ये किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको और ध्यान से देखोगे तो आपके आधे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे, वो आपके आपके डेटा को देखने के इनसाइट्स पर डिपेंड करता है। अगर आपने किसी चीज़ को देखा, अवॉइड कर दिया, तो आप उसको खुद समझ सकते हैं आपने अवॉइड क्यों किया। पर जब भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देखिए, कोई आर्टिकल देखिए या फिर कोई भी एड्स देखिए, तो आप ध्यान दीजिए कि उसे मेरे काम का क्या है। जब मैंने इस एड को देखा तो उसमें काफ़ी चीज़ें निकल करके आई। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इस नाम को, द हैबिटेट्स ट्रस्ट। ये एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, एनवायरमेंट के लिए काम करती है। इसका नाम है हैबिटेट ट्रस्ट। इसको ग्रांट्स मिलती हैं एनवायरनमेंट और पर्यावरण पे जीव जंतुओं पक्षियों को जो इंडेंजर्ड हैं, जो इंडेंजर्ड नहीं हैं, होने वाले हैं, उनको सहायता या फिर उनको कंजर्व करने के लिए। तो उसमें लिखा हुआ है द हैबिटेट ट्रस्ट ग्रांट्स 2023 रिसिपिएंट्स क्या है। द कंजर्वेशन ग्रांट मिली है 1 करोड़ की, एक्शन ग्रांट मिली है 25 लाख की। तो ये नंबर्स मिले हैं, इसको इस पर आपको नहीं जाना है किस किस को क्या मिला। आपको जाना कहाँ पे है, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेंशन है, ध्यान दीजिए। TST कंजर्वेशन ग्रांट एम्स टू प्रमोट द हॉस्टिलिटी डिजाइन एफर्ट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस दैट फोकस ऑन इंडियाज कंजर्वेशन चैलेंजेस स्पेशली फॉर लेसर नोन स्पीशीज एंड क्रिटिकल हैबिटेट्स। इनके हैबिटेट्स क्रिटिकल हैं और जो कम लेसर नोन, जो कम पता है ऐसी स्पीशीज के लिए, जो जो चैलेंजेस हैं या उनको कंजर्व करने के लिए ये संस्था काम करती है। इसमें सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, इसको कई बार सलीम अली को कई बार पूछा गया है एंड नेचुरल हिस्ट्री के लिए SACON, इसको IAS के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उठा के आपको देखेंगे तो सवाल मिलेगा। तो इस संस्था के बारे में आपको उनकी वेबसाइट पर जा करके पढ़ना चाहिए कि ये कौन सी संस्था है, इसके बारे में पूछा गया, इसलिए मैंने जानबूझ के इस ऐड को आपके लिए रखा। और एज लिमिट मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस एज ग्रुप के बीच की होनी चाहिए, जहाँ पे आपको ये भी समझ में आता है कि क्या चीज़ मेरे काम की है, क्या चीज़ मेरे काम की नहीं है, एक मेच्योर ओपिनियन। तभी आप एक इंटरव्यू, एक सक्सेसफुल इंटरव्यू दे पाएंगे जब आप इंटरव्यू स्टेज पर होंगे। तो सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझ के अपनी लाइफ में भी उतारना है। इसी का नाम IAS प्रिपरेशन है, क्योंकि आपको एक मेच्योरिटी नेक्स्ट लेवल पर भी ले जाती है। और बाकी एग्जाम्स में भी मेजॉरिटी आती है, फोर्स तैयारी करने का मेथड हार्डवर्क आता है। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए एक इंफॉर्मेशन, एक इन्फो या फिर एक कहना चाहिए नोट्स मेकिंग का तरीका भी ये प्रिपरेशन लेकर के आती है, जहां पर आप ये नोट्स मेकिंग अगर अच्छी करते हैं, जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है समझाना आपको, तो आपको हेल्प होगा आपकी प्रिपरेशन में। देन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन सोसाइटी WRCS, इसको पूछा गया, ये भी कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट आउलेट
वैसे तो आउल वर्ड है, यहाँ आउल बना भी हुआ है, बट फॉरेस्ट आउलेट बाय मल्टी स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में काम करती है वाइल्ड लाइफ रिसर्च के लिए, आउलेट्स के लिए. उसके बाद द टीएसटी एक्शन ग्रांट सपोर्ट्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क टूवर्ड्स ऑन ग्राउंड एक्शन फोकसिंग ऑन लेसर नोन स्पीशीज एंड हैबिटेट्स दैट रिक्वायर अर्जेंट कंजर्वेशन इंटरवेंशन. रिमिंग टसो भी जगह एक एम्पावरिंग कम्युनिटी थ्रू इको टूरिज्म. रेड पांडा जो रेड पांडा के लिए काम करती है एंड टैकिन कंजर्वेशन इन अरुणाचल प्रदेश. टैकिन जो है उसके कंजर्वेशन के लिए कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में के लिए टैकिन नाम है, और रेड पांडा के लिए काम करते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है. तो ये तो क्लियर हुआ कि हमारा सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी हमको पढ़ना है. उसके बाद हमको फॉरेस्ट आउलेट्स के लिए संस्था काम करती है उसके बारे में पढ़ना है. फिर रेड पांडास कहाँ पाए जाते हैं उसको लोकेट करना है. टाकिन के लिए कंजर्वेशन के लिए भी हमको काम करना है, मतलब नोट्स बनाने हैं. साथ ही साथ फॉरेस्ट फर्स्ट समिति भी इसमें आती है जो लोकल लिवलीहुड को सपोर्ट करती है, उसको आपको देखना है. और नेचर मेट्स नेचर क्लब भी हमारे बक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में है उसके लिए हेल्प करता है. तो देखिए, 3-4 नंबर के सवाल बन गया कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है. ये हमारा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, वेस्ट बंगाल में है. उसके बाद हमारा रेड पांडा किस इलाके में पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश. टाकिन कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश. उसके साथ ही साथ फॉरेस्ट आउलेट्स या आउल्स मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट आउल्स हैं वो अधिकतर हमको मध्य प्रदेश में मिलते हैं अधिकतर, या फिर वो समय के साथ कम लेसर नोन होते जा रहे हैं, उसके लिए भी ये संस्था काम करती है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इन आर्टिकल्स को या फिर एड से पढ़ के निकाल सकते हो, एक रिफ्रेशर है. सपोज करिए मुझे ही पेपर बनाना है किसी एग्जाम का, तो मुझे ये जल्दी मिल गया, पेपर मिल गया, मैंने फटाफट उठाया उसकी, इसको गूगल पे सर्च किया कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, या फिर आउल्स कहाँ पर मिलते हैं भारत में, और रिमिंग टसो क्या है, किस किस चीज़ के लिए काम करती है, या फिर किस पक्षी या इंडेंजर्ड स्पीशी के लिए काम करती है. ऐसे हॉर्नबिल यहाँ बना हुआ है तो हॉर्नबिल कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे ईगल बना हुआ तो ईगल कहाँ पाए जाते हैं. तो ये एक आइडिया देता है पेपर फॉर्मेशन का भी, जो पेपर सेटर्स होते हैं. तो इस तरीके से आप एड्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में. नेक्स्ट बढ़ते हैं. एनालाइज आस्क्ड टू स्टेट नंबर ऑफ डेज स्पेंड इन इंडिया. एनआरआईज को भी आप अपने नंबर ऑफ डेज को जितने स्पेंड करते हैं, पहले भी नियम था, कोई बड़ी बात नहीं है, नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्सेशन और टैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए बार बार उनको उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि एनआरआईज से पूछा जा सकता है कि कितने दिन आप भारत में रहे. के जरूरी क्यों है कि आपका स्टेटस आपके भारत में रहने के दिनों के हिसाब से डिसाइड होता है. इसे लिखा हुआ है, इफ दे ओवरस्टे स्पेंडिंग मोर देन 181 डेज इन ईयर इंडिया, टैक्स एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशन आर रिलेटेड टू रेजिस्टेंस अप्लाई टू देम. अगर वो 181 दिन से ऊपर रहते हैं तो टैक्सेशन के नियम बदल जाते हैं. यहाँ पे लिखा भी हुआ अभी तक जो टैक्सेशन कैसे होता है कि एनआरआईज पे नो टैक्स ऑन फॉरन इनकम. एनआरआईज जो होते हैं वह भारत में अपनी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देंगे अगर वो एनआरआईज स्टेटस पे हैं, इंडियंस देंगे. एंड एनआरआईज डोंट हैव टू डिस्क्लोज फॉरन एसेट्स, डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है. तो जो आपका एनआरआई वाला जो सेक्शन है जहां पर हम सिटीजनशिप को पढ़ते हैं, वहां पे इसको जाकर जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि किसको टैक्स देना है किसको टैक्स नहीं देना है, ये आपके इको वाले सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है. बेसिक फॉर्मेलिटीज, बेसिक जो कंडीशनैलिटीज होती हैं उन पे सवाल बनते हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि फटाफट से कि अगर गूगल पर सर्च मारें कि टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मस्ट हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स. तो 7 ईयर्स के लिए कम से कम भारत में रहे तब वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें इंक्लूड करता है कि 12 महीने पहले तक, मतलब बिफोर एप्लीकेशन आप 12 महीने तक यहाँ पर रहे हो, नॉट 12 साल, 12 महीने, और 6 ईयर्स इन द 8 ईयर्स बिफोर द 12 मंथ्स, और 6 ईयर्स जो आपके 12 साल के पहले के जो आपके साल हैं उनमें से 8 सालों में 6 साल आप रहे हो, मतलब पिछले का 1 साल तो आप रहे हो 12 महीने जो आपका 1 साल होता है, उसके ऊपर जो आपके 8 ईयर्स हैं उनमें से आप कितने रहे हो, 6 साल तो रहे हो, मतलब 7 ईयर्स का क्राइटेरिया पूरा पूरा आ गया, 7 साल पूरा का पूरा आपको रहना मांगता है. उसके अलावा आपके बर्थ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें अलग से होती हैं. तो और एनआरआई वो कब बनता है, बनता है जब पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया बट लिव्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट को हम समझते हैं. इनकी भी कुछ कंडीशनैलिटीज हैं कि उसने भारत छोड़ा हो, हैव लेफ्ट इंडिया और स्टे आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट बिजनेस फॉर द अदर रीजंस एंड हैव लिव इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज. तो अगर 182 दिन से कम रह रहे हो आप,
तो फिर आप अगर पहली बात तो आपको बाहर का एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या किसी और कारण से आप बाहर जाने चाहिए, और बाहर में 182 दिन से कम रहना चाहिए, तो उसके लिए आपको फिर डिडक्शंस मिलते हैं 80C और 1.5 लाख तक के। वो चीज़ अलग इसमें नहीं जाते हैं, लेकिन जो बेसिक कंडीशनैलिटीज है वो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको टैक्सेशन भी पता होना चाहिए कितना बेनिफिट मिलता है और कब मिलता है। नेक्स्ट है, एक्सपोर्ट्स में टेक 30 बिलियन हिट ओवर रेड सी थ्रेट्स। रेड सी में अगर थ्रेट बढ़ता है तो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में फर्क पड़ता है। क्यों, कल भी हम पढ़ रहे थे कि रेड सी वाला जो इलाका है वहाँ जो जहाँ से हम एक्चुअली मूव करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ और साथ ही साथ यूरोप को टच करते हैं, वो ये इलाका है जहाँ पर अगर आप देखिए भारत का रास्ता ऐसे है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और साथ ही साथ ये रास्ता यहाँ से मूव होकर यहाँ तक जाता है स्वेज कनाल से ऊपर। यहाँ पे आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी दिखता है और बाहर बाहर यूरोप के देश और बाकी देश मिलते हैं आसपास। तो ये इलाका भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मैप में जब लोकेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जिबूती, सोमालिया, गल्फ ऑफ अदन, रेड सी यहाँ दिखता है, स्वेज कनाल यहाँ पे, और यहाँ से मूव करके हम मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाते हैं। तो जो ये रास्ता है ये समुद्री डाकुओं का इलाका है। एंटी पायरेसी लॉ इसके ऊपर एक्ट बनने की तैयारी, ऑलरेडी कैसा नियम है लेकिन फिर भी और मॉडिफाइड नियम बनने की तैयारी है। साथ ही साथ आपको मैप में लोकेट करना आना चाहिए कि किस इस रास्ते पे कौन कौन से देश पड़ते हैं, इस पे क्वेश्चन बनने तैयार रहते हैं। मल्टीपल चॉइस के साथ साथ आके मेंस राइटिंग में अगर आप हैं तो भी आपको सवाल इसमें मिल जाते हैं। तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज डिस्कशन। आई होप आपके लिए अच्छा रहा होगा, शॉर्ट है, क्रिस्प है और काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट यू कैन अपडेट योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड्स आल्सो कैन अपडेट योरसेल्फ विद द करंट अफेयर्स। और अगर आप चाहते हैं कि 1-to-1 टॉपिक डिस्कशन हो तो वो भी पॉसिबल है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी करते रहिए।